बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग वापस एक बार हाजिर हैं एडोब इलस्ट्रेटर की दूसरी वीडियो के साथ। तो आज हम लोग आपको सिखाने वाले हैं कि किस तरीके से आप ये जो डायमंड है इसकी ट्रेसिंग करने वाले हैं हम विद ऑब्जेक्ट टूल। ओके, विद स्टार टूल। ओके, सबसे पहले तो आपने इसको लॉक कर लेना है, ठीक है जी। ऑब्जेक्ट ऐसे आप इसको डायरेक्ट भी लॉक कर सकते हैं, CTRL 2 दबा के ये लॉक हो जाएगा। अब आप इसको सेलेक्ट नहीं कर सकते ना इसको छेड़ सकते। और आपको अनलॉक करना है तो Alt+CTRL+2। तो ये जितना भी आपके आर्टबोर्ड पे जो भी लॉक हुआ होगा सारी चीज़ें अनलॉक हो जाएंगी। मैं इसको लॉक कर देता हूँ फिलहाल। सबसे पहले मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो भाई सबसे पहले आपने इसको राइट क्लिक कर लेना, स्टार टूल ले लेना। स्टार टूल लेने के बाद आपने माउस का क्लिक छोड़ना नहीं है, ये स्टार टूल बन चुका है, माउस का क्लिक नहीं छोड़ना। और आपने डाउन वाला बनाना, डाउन वाला एरो दबाना है, या फिर आप जितना ऊपर करना चाहते हैं आपका ये देखें सूरज बन जाएगा। ओके, मैं तो डाउन करूँगा। अभी मुझे चाहिए क्या, हमें चाहिए रेक्टेंगल। तो आप डाउन वाला जो है एरो प्रेस करते रहें जब तक रेक्टेंगल नहीं बन जाए, रेक्टेंगल बन जाए। आपने माउस की क्लिक नहीं छोड़नी है, माउस की क्लिक ऐसी रहेगी, फिर माउस की क्लिक छोड़ें। हियर यू गो, हमारे पास आ चुका है रेक्टेंगल जो कि यहाँ पे शो नहीं करता ये, और यहाँ पे शो करता हो तो क्या बात होती। और ऐसे आप हर हर ऑब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं, हर ऑब्जेक्ट की आप नोके बढ़ा सकते हैं और उसकी कम कर सकते हैं। तो ये बैठा नहीं है शायद, मैं जूम करके देख लेता हूँ, नहीं बैठा है। और छोटा कर देते हैं, और हेयर यू, और छोटा, और ज़रा। तो आपके सामने ये आ गया। और अभी हम इसी तरीके से पूरा हम बनाने वाले हैं। मैं ऑल दबा के इसको ले लेता हूँ एक और। अच्छा, जिन लोग को ऑल दबाना नहीं आता मैं भी थोड़ा सा भूल जाता हूँ, ऑल्ट दबा के रखता है फिर इसको जब कर लेना तो फिर छोड़ रहा है ऑल्ट, वरना फिर तो ये हो ही नहीं पाएगा। मैं भी भूल जाता हूँ कभी। ओहो, यहाँ पे भी फिट हो गया, फिट हो गया है। और अभी हम इसी को यहाँ से यहाँ पे ले लेते हैं। और अब आपने क्या करना है, मैं जो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसका, मतलब यहाँ पे ये जो है इसकी पिक्सल बहुत ज़्यादा फटे हुए हैं, तभी ये इतना ज़्यादा फटा हुआ आ रहा है। खैर, अब आपने इसको और ले लेना है। अब आपने इसको रोटेट कर लेना है उल्टी साइड पे, और आप देख सकते हैं सॉरी, तो ये भी बन चुका है। और अभी हमने इसको क्या करना है, ये यहीं पे लाना है। तो और दबा के आप इधर भी ले लें इसको, और फिर इसको नीचे कर लीजिए। मैंने इसको थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा दिया था। डायमंड की ऊपरा हिस्सा, डायमंड का ऊपर वाला हिस्सा बन चुका हमारा। तो ज़रा सा बस बस अभी मैं इसको नहीं दिखा रहा। अभी फिर से हमें स्टार टूल लेना है। आपने ये अभी ये बना रहेगा, ठीक है। अब आपने स्टार टूल में ये चेंज कर दिया, अब आपको वापस स्टार टूल बनाना है। तो अब ये स्टार टूल बन जाएगा, ठीक है जी। अब आप जितनी बार भी करेंगे ये रेक्टेंगल ही आएगा, ट्राइंगल ही आएगा, सॉरी। तो अब इसको हम किस तरीके से बनाएंगे ये सोचने वाली बात है भाई। इस तरीके से ये यहाँ पे आएगा, और ये नीचे जा रहा है, नीचे गया। अभी हमने इसको रोटेट करना है, देन ये ऊपर, बल्कि छोड़े ये साइड वाले नहीं बन पाएंगे क्योंकि ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा। हम बीच वाले बना सकते हैं इससे, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। और इसको रोटेट कर लेते हैं नीचे,
मैं इसको यू कर लेता हूँ, इसको खींच लेता हूँ, बल्कि आ हा, सॉरी 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 सॉरी, मैंने इसको उल्टा किया हुआ है तभी ये बैठ नहीं पा रहा, अभी बैठ जा गई। सबसे पहले तो आपको कंट्रोल सीखने हैं ना इसके, अगर आपको कंट्रोल्स नहीं आते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आगे चल के, आपकी जो है नहीं कर पाएगी इसको, तो आपको सबसे पहले कंट्रोल सीखने पड़ेंगे। अब आपको इसको हल्का सा मूव करना है तो आप एरो से मूव कर सकते हैं, सेलेक्ट होना ज़रूरी है, शर्त है कि सेलेक्ट रहे। अभी मैंने इसको ये कर लिया और नाउ यू कैन सी यार हमारे पास ये आ चुका है, थोड़ा सा टिल कर बस देख लीजिए ये आ गया, साइड वाला भी बन जाएगा शायद, का नहीं पता, देखते हैं। नहीं, ये साइड वाला हमें अपने पेंडुल से ही बनाना पड़ेगा। ठीक जी, अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ इसको क्या करेंगे। अब आप इसको उधर लेके जाते हैं तो मुड़ेगा तो नहीं ये, अब आपको इसके लिए चाहिए, इधर जाइए आप, ये जो है सॉरी मैंने इसको रिफ्लेक्ट टूल, इस पर राइट क्लिक करेंगे रोटेट टूल पे तो रिफ्लेक्ट टूल आएगा सामने, पैलेट खुल जाएगा उस पर रिफ्लेक्ट टूल पे आप तो क्लिक कर लें, फिर वो जब आपने सेलेक्ट रखा था इसको, ये आपका आ गया, इसको आपने हॉरिजॉन्टल करना है या वर्टिकल करना है, हमें वर्टिकल करना है। ओके, आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो वो प्रीव्यू भी दिखाएगा कि ऐसा आएगा, आपने, मैं कॉपी कर लेता हूँ, देन यू हैव गॉट दिस। ओके जी, तो इसको ज़रा सा कर लेते हैं। तो भाई अब हमें क्या करना है, डायमंड तो बन गया शायद, आप लोग को भी नहीं नज़र आ रहा होगा, मुझे भी नहीं नज़र आ रहा, तो भाई सबसे पहले हमने स्ट्रोक ले लेना है इसका। ओके, स्ट्रोक, ब्लैक स्ट्रोक, ब्लैक सही है, नहीं ब्लैक थोड़ा सा अजीब सा है, तो हम इसको डार्क ब्लू दे देते हैं, ओके, और फिल में इसको थोड़ा सा लाइट ब्लू देते हैं, थोड़ा सा डायमंड वाली लुक आए ना। नो ओके, यू हैव गॉट दिस टाइप ऑफ डायमंड, हमने ये किस तरीके से बनाया है आपको भी पता है और कैसे बना है ये आपको भी पता है। ठीक है जी, ये बन चुका है, अब आप इसका थोड़ा सा स्ट्रोक बढ़ा लेते हैं।